बारिश होती है पानी बहुत बढ़ जाता है और हमारी पढ़ाई का बहुत लॉस होता है। उस दिन छुट्टी मतलब अपनी मर्जी से। हाँ। क्या क्या समस्या है बता रही थी आपकी? पानी की है और तुम्हारी गली की है, जमादार नए रोज आते हैं, कूड़ा कचरा जो गली भरा रहे तो मच्छर खा रहे, डेंगू मलेरिया है रहा हुआ है। पानी की हर समय पानी की प्रॉब्लम तो हमेशा ही रहती है यहाँ पे, पानी इतना गंदा आता है पीने के लायक ही नहीं। परेशान है के बताएं, 10 साल तक कोई बच्चा नेक बाहर नहीं खेल सकता, जरा सी बूंद पड़ जाए तना तना पानी बच जाता है। विधायक कौन है आपका? जी वंदना नहीं है। वंदना? हाँ जी। हाँ जी। निगम पार्षद भी यहाँ के चौधरी। हाँ जी बता रहे। और तो देखो इतने परेशान है, हमने तो बातें हाथ जोड़ के कही कि हम कोई घर का राशन नहीं मांग रहे, एक गली की तो कह रहे हैं आप, तो हमारी गली बनवा दीजिए। मैंने कहा 10 साल इतने परेशान है, बता नहीं सकते, बताओ तो इतना बताओ, हमने गली की कही है तो गली तो बननी चाहिए। लैट्रिन को पीरो पीरो पानी आता है, लेकिन अभी बिल इतना आ रहा है ना, बिजली बिल नहीं, पानी का वाटर बिल भी ऐसे ही ऑटो मतलब एवरेज से ही भेज रहे हैं। मेरे पास एवरेज अपनी मर्जी से, एवरेज से किसी का 50,000 आ रहा है, किसी का 30,000 आ रहा है, किसी का 20,000 आ रहा है, एवरेज लगा के मतलब ऑटोमेटिक अपने आप बिल भेज रहे हैं। अंबेडकर नगर है और गांव पलंग है, यहां से विधायक वंदना कुमारी है और लोग शिकायत कर रहे हैं कि गली में पानी भर जाता है और कूड़े की गाड़ी नहीं आती। निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के हैं और विधायक आम आदमी पार्टी से, जलद चौधरी, तो काम होना चाहिए था। और उनके सीएम भी हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं कि एक हो गया वो हो गया, साफ झूठ बोलते हैं। तो मुझे लगा कि यहाँ के लोगों से पूछना चाहिए और जानना चाहिए कि आखिर जो बात हो रहा है टीवी पर और पेपर में क्या सच्चाई है उसकी और क्या नहीं है, जान लेना चाहिए। क्या नाम है आपका? आपका नाम निर्मला। क्या क्या समस्या बता रही थी आपकी? पानी की है और तुम्हारी गली की है, जमादार नए रोज आते हैं, कूड़ा कचरा जो गली भरा रहे तो मच्छर खा रहे, डेंगू मलेरिया है रहा हुआ है, सब परेशान है, बच्चे स्कूल ना जा पा रहे बरसात से पानी बच जाता घोटन के ऊपर। और सब बात की परेशानी है, सीवर के भी पानी, सीवर का है तो सीवर का पानी बच जाता है। और आप लोग शिकायत करने जाते हो MCD या विधायक के पास? कोई सुनता ही ना अपने, आप लोगों ने शिकायत निरवार करी है, कोई नहीं सुनने, कोई ना सुनते। आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं कि बड़ा बड़ी कत्ता पर कोई करवे ना आया, बता सब झूठ बोल रहे, सब झूठ बोलते। फिर से चुनाव आ रहा, फिर से आपके पास बताने के लिए सारे झूठ बोलते हैं, सब झूठ। क्या परेशानी हो रही है यहाँ पे लोगों को? परेशानी साफ सफाई की बहुत दिक्कत है यहाँ पे, पानी की हर समय पानी की प्रॉब्लम तो हमेशा ही रहती है यहाँ पे, पानी इतना गंदा आता है पीने के लायक ही नहीं है, पीने लायक पानी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। गंदगी ऐसे ही रहता है, गंदगी हमेशा ऐसी रहती है, नालियाँ देख लो, आप खुद देख रहे हो नालियों का हाल कितना, साफ सफाई होती नहीं है ढंग से और कूड़ा करकट हमेशा ही पड़ा रहता है, गंदगी। यहाँ से विधायक और पार्षद लोग बता रहे हैं दोनों आम आदमी पार्टी से और उनकी बात तो आप जानते होंगे, कितनी बड़ी बड़ी बात करते हैं उनकी पार्टी। पार्टी देखो भैया, कोई भी आए, आम आदमी आ जाए चाहे BJP आ जाए, सब एक दूसरे को बोलते रहते हैं कि जी मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, वो नहीं कर रहा है, वो मैं करने के लिए तैयार हूँ लेकिन वो नहीं करने दे रहा। लेकिन अभी तो दोनों जगह खुद हैं, तो जिम्मे उनके आता है, अभी आप सवाल पूछ सकते हैं कि भाई आपने नहीं किया तो हम उनको बोलेंगे या उनको लाएंगे, अभी तो शिकायत बनता है ना केजरीवाल जी से? बिल्कुल बनता है, लेकिन आजकल क्या है ना, लोग शिकायत तो कर देते हम लोग, लेकिन सुनवाई नहीं होती उसकी। आज भी यहाँ पे हैदरपुर के अंदर वहाँ नाला तोड़ा था, पानी की समस्या, इस गली में पानी की समस्या होती थी, हम लोगों ने कॉलोनी वालों ने जाकर ही जो पानी रुक रहा था तो खुद ही नाला वहाँ तोड़ा था जाके, खुद आम लोगों ने, हम लोगों ने खुद तोड़ा था। वंदना कुमारी जी भी आई थी वहाँ पे, मौके पे आई थी, उनको बुलाया तो आए गए थे, लेकिन आज भी वो नाला यूं का यूं टूटा हुआ है, पानी वहाँ पे ऐसे चल रहा है, ऐसी टेम्परेली चल रहा है, वो भी यहाँ से पानी निकलता है इसीलिए। तो अगर ये तारीफ नहीं है केजरीवाल जी की, लोग खुद अपने से नाला तोड़ रहे हैं, तो आम आदमी है, ये नाला तोड़ने के लिए नहीं रखा गया है, आपके लिए MCD बनी थी, कर्मचारी लोग हैं आपके पास, आप खुद करवाते काम, आप उनकी समस्याओं को सुनते और उसका समाधान निकालते, लेकिन आपने नहीं किया और सिर्फ झूठ बोलने का काम किया। ये हम बोल रहे हैं आपसे, लोग बोल नहीं रहे होंगे लेकिन हम बोल रहे हैं आपसे कि आपने पिछले 10 सालों में जो कहा है वो सिर्फ झूठ कहा है और सिर्फ टीवी पर कहा है। आप आइए घूमिए इस जगह में और शालीमार बाग में हैदरपुर इलाके में आइए और देखिए किस तरीके से लोग परेशान हैं, साफ पानी पीने से लेकर के राह चलने तक के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
तो खैर आगे की बात है, और भी लोगों से पूछेंगे। क्या नाम है आपका? इतनी परेशान है कि बताएं, 10 साल तक कोई बच्चा नेक बांध नहीं खेल सकता, जरा सी बूंद पड़ जाए तो ना तना पानी भर जाता है। विधायक कौन है आपका? जी बंदा नहीं है, वंदना। हाँ जी, हाँ जी, निगम पार्षद भी यहाँ के जना चौधरी। हाँ जी बता रहे। और तो देखो इतने परेशान है, हमारे तो बात हाथ जोड़ के कही कि हम कोई घर का राशन नहीं मांग रहे, एक गली की तो कह रहे हैं आप, तो हमारी गली बनवा दी। मैंने कहा 10 साल इतने परेशान है, बता नहीं सकते, बताओ तो इतना बताओ, हमने गली की कही है तो गली तो बननी चाहिए, इतने दुखी है। नहीं बना, नहीं बना, 17-18 साल। हाँ वो कौन सा होता, जय भगवान होता, कौन होता, की बात 17-18 साल है। बीजेपी से जय भगवान अग्रवाल जी थे, जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये गली बनवाई थी, वही बनवाई हुई है, उसके बाद अभी गलत गली नहीं बनी है। अच्छा एक और समस्या बता रहे हैं कि जब मोटर चलाते हैं तो लोग गंदे पानी, गंदा सीवर का पानी आता है, पता नहीं सर इतना गंदा पानी आता है, जैसे मोटर दबाएंगे मोटर चलाने के लिए इतना गंदा पानी आएगा जैसे नाली का पानी आ रहा है। नाली को ना, गटर को आ रहा, लेटरिंग को, लेटरिंग को पीरो पीरो पानी आता है, फिर पानी खरीद के पीते हैं, और फिर केजरीवाल जी बोलते हैं कि साफ पानी नहीं दे पा रहे। गंगा वाटर पिलाने की बात करते थे, हर घर जल पहुंचाने की बात करते थे, और सिर्फ झूठ बोलने के लिए बैठे थे। एक चीज और मैं बता रहा हूँ, पानी तो यहाँ पे मतलब का आता ही नहीं है, पीने के योग्य नहीं है पानी, लेकिन अभी बिल इतना आ रहा है ना, बिजली बिल नहीं, पानी का, पानी का वाटर बिल भी ऐसे ही ऑटो मतलब एवरेज से ही भेज रहे हैं। मेरे पास एवरेज अपनी मर्जी से, एवरेज से किसी का 50,000 आ रहा है, किसी का 30,000 आ रहा है, किसी का 20,000 आ रहा है, एवरेज एवरेज लगा के मतलब ऑटोमेटिक अपने आप बिल भेज रहे हैं। तो उतना पानी आते कोई यूज ही नहीं कर रहा, हमारे यहाँ तो खुद ही यूज ही नहीं होता पानी पीने के लिए, और बिल भेज रहे हैं अपने, मनमानी हो रही है, मनमानी हो रही है, अब जो भी कह लो लेकिन मनमानी से बिल भेज रहे हैं जी। इतना यूज भी नहीं कर रहा आदमी, लेकिन फिर भी बिल इतना भेज रहा है। आदमी यूज कम कर रहा है, ज्यादा बिल आ रहा है। पानी की समस्या, पीने वाली पानी की समस्या अलग, गली की समस्या अलग, और सब समस्याओं का समाधान कौन करने के लिए बोला था आपसे? केजरीवाल जी ने बोला था, क्योंकि वो सीएम है। वो जब आ रहे थे तब उन्होंने कहा था कि हम इस तरीके से दिल्ली को बनाएंगे कि लोग सोचेंगे यहाँ आने के लिए, राजधानी हाँ पेरिस बनाने की बात करते थे, और लंदन जैसी पेरिस की गलियां देखो सर, आप खुद देख सकते हो पेरिस की गलियां ऐसी होती है। हाँ ये गलियां देखिए, इसमें पानी भर जाता है, और इस पानी भर जाने के कारण बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, और वो बोलते हैं कि वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिया है, तो स्कूल जाने के लिए रास्ता होना चाहिए, और रास्ता ही नहीं है। तो ये समस्या है, सुनना चाहिए और देखना चाहिए और समझना चाहिए। कोई बता सकता है कौन पढ़ने जाता है? तुम जाती हो पढ़ने? मैं 10th क्लास में हूँ, और नाम बताओ अपना। मेरा नाम लक्ष्मी है। ये गली का क्या हाल होता है जब बारिश होती है? जब बारिश होती है पानी बहुत भर जाता है, और हमारी पढ़ाई का बहुत लॉस होता है। उस दिन छुट्टी मतलब अपनी मर्जी से? हाँ, नहीं जाना पड़ता क्योंकि पानी काफी ज्यादा भर जाता है। आपने सुन लिया किस तरीके से बता रही बच्चे कि पढ़ने जाती है, बारिश में पानी भर जाता है तो पढ़ने नहीं जाती, खुद छुट्टी कर दी क्योंकि क्लास चल रहा होता है, ये मजबूरी में नहीं जाती है पढ़ने। खैर और भी जगह जाएंगे और लोगों से पूछेंगे, उनके विधायकों के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। बाकी बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।